और तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मास्टरानी साहब? तुम्हें बंधुआ मजदूर बना के रखा गया है। बंधुआ मजदूर? ये बंधुआ मजदूर क्या होते हैं मास्टरानी साहब? अरे बंधुआ मजदूर ये होता है जिनको कैद में रखा जाता है, और तुमसे तो एक साल तक कैद में रख के काम कराया जा रहा है। इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। अब इधर से हम कैसे निकले मास्टरानी साहब? अच्छा तो मैं एक एनजीओ को जानती हूँ, वो तुम्हारे समस्या का निवारण करेगी। तब तक के लिए तुम जाओ और अपने बच्चों को भेजना। ठीक है मास्टरानी साहब, लेकिन जल्दी करिए मास्टरानी साहब। ठीक है बिल्कुल। धन्यवाद मास्टरानी साहब। आइए आइए मैडम। माता जी नमस्ते। मैडम अरे मैं क्या बताऊँ, एक गरीब इंसान मेरे यहाँ आया था और अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाह रहा था, लेकिन उनको क्या होगा एक साल से शोषण किया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनकी हेल्प करें और उनकी समस्या का निवारण करें। थैंक यू मैम। देव जी हम लोग आपके पास आए थे, एक शिकायत आया है आपके पास आने के बाद। क्या शिकायत आया है? शिकायत आया है कि आप एक मजदूर परिवार को बंधुआ बना के उनके काम दे रहे हैं और उनको उनका मजदूरी भुगतान भी नहीं कर रहे हैं और कहीं आने जाने में भी पाबंदी लगाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको अपने बच्चों की जैसा रखते हैं घर में। हमको रहने के घर, रहने को घर दिया है, खाने को खाना दिया है, ये कौन आपको गलत गलत जानकारी दे रहा है? देखिए जो हमें जानकारी मिली है वो गलत नहीं है, अगर गलत होगा तो ये जानकारी हमारे तक कैसे आती? मैडम ने हमें इसकी शिकायत की। क्या पता लोग हमारी सफलता से जलते हो, हमारे घर में ऐश्वर्य से चढ़ रहे हो, इसलिए किसी ने कंप्लेन कर दिया हो। मैं अभी बुला देता हूँ, आप खुद पूछ लीजिए। बुलाइए बुलाइए। चंपा, अरे ओ चंपा, बताओ क्या हम तुम्हें प्रताड़ित करते हैं? देखिए हमें जो है मैडम जी ने शिकायत करा है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, बताइए हमें। हाँ हाँ मैं ही बताया मैंने प्रॉब्लम ना, मोर पत्नी है नहीं जाना थे, बहुत प्रताड़ित करते साहब हमला, बहुत प्रताड़ित करते हैं सेठ सेठ भाई हमला, बहुत प्रताड़ित करते हैं। देखिए आप लोग हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, आपकी समस्या का जरूर समाधान होगा। ठीक है मैडम साहब, धन्यवाद मैडम साहब। देखिए अगर आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं या उनका शोषण कर रहे हैं तो इसमें जो है सजा का प्रावधान है। पता है हमारे देश की समस्या क्या है? यहाँ लोगों को, हमारे नागरिकों को हमारे अधिकार के बारे में नहीं पता है, मानव अधिकार के बारे में नहीं पता है। और जो शिक्षित वर्ग है जिन्हें पता है उनकी आंखों के सामने किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, तो वो मौन चुप है। क्यों? जागरूकता होनी चाहिए ना, उन्हें आवाज अवश्य उठाना चाहिए। हमारे संविधान में सबको जो है समान अधिकार दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति धर्म जाति सामाजिक स्थिति में जैसे भी भिन्न है किंतु मानव अधिकार का हकदार है। तो मानव अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? सामाजिक विषमता, प्रताड़ना और अवहेलना के कारण मानवाधिकार अस्तित्व में कैसे आया, एक सोचने वाली बात है ना। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा को जो है अपनाया। 4 दिसंबर 1950 को इसको जो है मान्यता दी गई, और इसमें जो हमारे नागरिकों को मान्यता दी गई है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीव को पार्जन का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो बुलंद आवाज
हमें अधिकार दिया है, हमें मानव अधिकार दिया है, हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है।